नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जो है एक बार फिर से जोर पकड़ा हुआ है। और इस बीच कांग्रेस की नेता मीरा कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जदयू और बीजेपी के गठबंधन सरकार पर जो है हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार के लोगों का ख्याल नहीं है। मीरा कुमार ने आगे कहा कि इससे बड़ी विडंबना बिहार के लिए क्या हो सकती है। बीजेपी के साथ होने के बावजूद भी जदयू को अपनी मांग पूरी करवाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और अब भी मांग पूरी नहीं हुई है। जैसे ही चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी घोषणा कर देनी चाहिए थी। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्हें बिहार के लोगों का ख्याल नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारकर भाजपा के साथ चले गए, लेकिन उन्होंने उनका ख्याल नहीं रखा। ये बहुत दुख की बात है। सुनिए मीरा कुमार क्या कुछ बोल रही है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से एक बार उठने लगी है। सरकार में जदयू है और जदयू ही मांग कर रहा है विशेष राज्य के दर्जा का। इससे बढ़कर के विडंबना क्या हो सकती है। जदयू जो है वो बीजेपी के साथ है और जदयू को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। जैसे ही चुनाव हुआ था वैसे ही मोदी जी को ये घोषणा कर देनी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं की है। न बिहार के निवासियों का ख्याल है, जो उनके साथ पलटी मार कर उधर चले गए उनका भी ख्याल नहीं है। ये तो बहुत दुख की बात। लगातार 3 हफ्ते से पुल गिर रहे हैं मैम बिहार में, तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर रहे हैं इसको लेकर के। ये तो बहुत बड़ा हादसा है और इसमें बहुत लोगों की जान भी जा सकती थी। वो तो बच गए, सब लोग बच गए, मगर इसके पीछे इंक्वायरी होनी चाहिए। एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं, बिहार को ध्वस्त कर रहे हैं ये लोग जो अभी शासन में आ गए हैं, केंद्र में जो शासन में आ गए हैं और जो बिहार में शासन कर रहे हैं वो बिहार को ध्वस्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जनसंख्या नियंत्रण करने को लेकर के पॉलिसी बनाने को कही जा रही है, पॉलिसी बनाने की मांग उठ रही है। ये तो जनसंख्या जो है ये बहुत दिन से एक प्रयास चल रहा है कि लोगों को समझाया जाए और बताया जाए, वो तो प्रयास बहुत दिन से चल रहा है। अभी तक जदयू की तरफ से इसका कोई रिएक्शन तो नहीं आया है, लेकिन ये बातें सच है कि नीतीश कुमार पलटी मार कर बीजेपी के साथ तो आ गए हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार दिलवा पाते हैं या फिर नहीं। जदयू की तरफ से भी बहुत सारे तमाम नेता जो हैं बोल रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और पैकेज भी मिलना चाहिए, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, और मिलेगा भी तो कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।